हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीथिंग बायो। और आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं जो भी पढ़ा रही हूँ। मैंने इस चैप्टर का, मतलब दिस इज़ द प्लांट किंगडम पार्ट टू, तो इसका पार्ट वन मैं पहले ही वो वीडियो कल अपलोड हो गया था, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, या तो फिर डिस्क्रिप्शन से भी आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो वो अगर आप चाहते हैं देखना, वहाँ पे एल्गी कवर किया गया था और टैक्सोनॉमी का कुछ पोर्शन जैसे कि एनसीईआरटी में दिया है, और उसके साथ साथ जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स है उनके बारे में कुछ कवर किया गया था, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स एंड टेरिटोफाइट्स, ओके, इस पार्ट में। तो देखते हैं, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको बाद के जो, मतलब पूरे जो एनसीईआरटी मैं कवर करने वाली हूँ बिफोर नीट, वो आए। और अभी तो मैं बहुत एक एक दिन एक एक वीडियो करके दे रही थी। नाउ आई विल बी स्टार्टिंग अपलोडिंग द आई विल स्टार्ट अपलोडिंग द मोर वीडियोज़ पर डे, ठीक है, ताकि वो पूरा कवर हो जाएगा, आपके लिए भी ईजी होगा पूरा कवर करना, ठीक है। सो ब्रायोफाइट्स से स्टार्ट करते हैं। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड्स द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवॉर्ट्स, ठीक है। तो हम लोग देखें कि एल्गी को कैसे प्लांट किंगडम में लाया गया था, मतलब जो हम लोग पहले एक अलग जगह में रखते थे, मतलब अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम के अलग किंगडम में रखते थे, वहाँ से निकाल के इसको प्लांट में डाला गया, ठीक है। तो एल्गी के बाद आता है ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स में हम लोग क्या देखते हैं कि ये बेसिकली मॉसेस, लिवरवॉर्ट्स, ये सब चीज़ होता है, मतलब इट इंक्लूड्स मॉसेस, लिवरवॉर्ट्स, ये सब दैट आर फाउंड कॉमनली इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज, मतलब जहाँ पे थोड़ा सा यू नो मॉइस्ट है, या तो फिर मतलब जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, मतलब शेड रहेगा, थोड़ा वार्म भी रहेगा और उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी भी बहुत रहेगी, ठीक है। तो वो ह्यूमिड रीजन में बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, शेड जहाँ पे है, मतलब डायरेक्ट सनलाइट नहीं है, ठीक है। तो एरियाज इन द हिल, और इसके साथ ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियंस। ये एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं इसको, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स किंगडम, बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लीव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर, मतलब इसको पानी भी चाहिए और इसको मिट्टी भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये इन जनरल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ये लोग रह लेते हैं, लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है, जब रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है, तब इनको पानी चाहिए। दे यूजुअली ऑकर इन डैम ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल, ओके। तो प्लांट सक्सेशन किसको बोलते हैं, जैसे कि अगर कोई भी पत्थर है, वहाँ से ये सूखा जगह है, वहाँ से कभी कभी देखते हैं कि ये प्लांट निकल के आ रहा है, या तो फिर बहुत पुरानी कोई कंक्रीट की बिल्डिंग है, तो वहाँ से भी प्लांट्स निकल के आते हैं, ठीक है। सो ऑल दोज आर ब्रायोफाइट्स, क्योंकि ये मतलब ऑल दोज आर नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ देम आर ब्रायोफाइट्स बेसिकली, क्योंकि वो अगर एक डैम ह्यूमिड शेडेड जगह अगर मिल जाता है, तो वो प्लांट सक्सेशन आराम से करना शुरू कर देता है, ठीक है। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियन, वो भी हम लोग को पता चला कि ये इन जनरल टेरेस्ट्रियल में रह जाते हैं, लेकिन इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी के ऊपर ये इसके भरोसा रहता है, ठीक है, कि पानी के अलावा ये नहीं कर सकता। दैट्स वाई पानी और टेरेस्ट्रियल, ये दोनों ही कॉम्बिनेशन इसको चाहिए, एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। नाउ द प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड दैन दैट ऑफ एल्गी। तो हम लोग जैसे एल्गी में पढ़े थे, जो भी प्लांट बॉडी था उसका, ठीक है, तीन हिस्सों में बांटा गया था, तो हम लोग देखे थे इसके पहले जो रेड एल्गी है वहाँ पे, नॉट इन ग्रीन एल्गी, क्योंकि वो यूनिसेलुलर होता है, जो रेड एल्गी है, रेड इवन ब्राउन एल्गी है, वहाँ पे हम लोग देखे थे कैसे डिफरेंशिएट किया गया है। तो यहाँ पे और ज़्यादा डिफरेंशिएटेड रहता है रेदर देन एल्गी। इट इज़ थैलस लाइक स्ट्रक्चर एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट and attached to the substratum and by unicellular or multicellular rhizoids. तो mosses में जो rhizoid होते हैं वो generally multicellular होते हैं। ये तो overall एक bryophytes के लिए points बता रहे हैं, तो particularly mosses में multicellular rhizoids मिलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या बोला है, इट इज अ थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट एंड अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजॉइड्स। देखो यहाँ पे ये पिक्चर दिया गया है राइजॉइड्स का, ये है राइजॉइड्स जिसके थ्रू ये अटैच होके रहता है, ठीक है, अटैचमेंट का काम करता है। यहाँ पे भी देखो राइजॉइड्स प्रेजेंट है, तो दीज आर द लिवर वोर्ट्स एंड फ्यूनरिया प्रेजेंट हियर। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दे लैक ट्रू रूट्स। ऑब्वियसली राइजॉइड्स जो जहाँ पे प्रेजेंट है वो बेसिकली रूट्स के जैसे ही काम करता है, बट ऑफकोर्स दे आर नॉट ट्रू रूट्स। सो दे लैक ट्रू रूट्स स्टेम एंड लीव्स। दे मे पॉजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो एक तो हो गया हमारा रूट लाइक स्ट्रक्चर्स कौन सा है, राइजॉइड्स, राइट, और इसके बाद आता है स्टेम लाइक, लीफ लाइक, ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग इस पिक्चर्स को देखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को मिलता है कि हाँ ये एक जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर से हम लोग बता सकते हैं कि हाँ इस ये शायद स्टेम को रिप्लेस कर रहा है, लीफ को रिप्लेस कर रहा है, ऐसा टाइप का। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज हैप्लॉइड गैमेटोफाइटी, इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, हेंस इट इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइटी। तो जो गैमेटोफाइट है वो क्या है, हैप्लॉइड, ठीक है, और ये कहाँ डोमिनेंट होते हैं, इट इज डोमिनेंट इन ब्रायोफाइट्स। और जैसे जैसे हम लोग देखते हैं टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, ये जैसे जैसे हायर प्लांट किंगडम की जैसे तरफ जाएंगे वो धीरे धीरे इसका जो पावर है वो रिड्यूस हो जाता है और फिर वो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट, मतलब स्पोरोफाइट हो जाता है, तब उसका जो डोमिनेंट फेज है वो स्पोरोफाइट हो जाती है। नाउ द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर, द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रिडियम, दे प्रोड्यूस बाय फ्लैजिलेटेड एंथ्रिजॉइड। तो यहाँ पे फ्लैजिला का नंबर कितना है, दो। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज आर्चिगोनियम, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी प्रेजेंट है आर्चिगोनियम एंड एंथ्रिडियम, ओके, एंड आर्चिगोनियम इज अ फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूसेस सिंगल एग। द एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्चिगोनियम। तो वाटर की जरूरत यहाँ पे हो रही है क्योंकि इनकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है, वाटर में होता है। वाटर एज अ वे काम करता है, मतलब ये एक ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल के जैसे काम कर रहा है कि एंथ्रोजॉइट को वहाँ पे रिलीज किया जा रहा है और फिर यहीं पे एक सिंगल एग रहता है जो कि आर्चिगोनियम में प्रेजेंट है, फ्लास्क शेप्ड होता है और ये एक सिंगल एग बनाएगा और आर्चिगोनियम जो है, हाँ वो सिंगल एग बना रहा है और एंथ्रोजॉइड जो है वो रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, और ये एंथ्रोजॉइड्स फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस जाइगोइड। जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, ये जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद तुरंत ही रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाता है। दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। तो यहाँ पे वो क्या काम कर रहा है, यहाँ पे बेसिकली पहले क्या हुआ, देखो पहले ये वाटर में, यहाँ पे वाटर एक मीडियम के जैसा काम कर रहा है फॉर देयर रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वाटर एक मीडियम के जैसा काम कर रहा है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आर्चिगोनियम क्या क्या है, देखो द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट आर मल्टीसेलुलर, ठीक है, दे प्रोड्यूस बाय फ्लैजेलेट एंथ्रोजॉइट्स। तो एंथ्रोजॉइट्स क्या हुआ, वाटर में आया और आर्चिगोनियम जो कि फ्लास्क शेप्ड है वहाँ पे एक सिंगल एग प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो एक एग यहाँ पे सिंगल एग प्रेजेंट है और यहाँ पे इसके साथ एंथ्रोजॉइट्स यहाँ पे इसको फर्टिलाइज करना है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे मेक क्या क्या बनाते हैं, जाइगोट, ठीक है। अब ये जाइगोट जैसे बनाए, जाइगोट बनाने के बाद इट डू नॉट गो फॉर व्हाट, रिडक्शन डिवीजन,
राइट, इट डू नॉट गो फॉर इमीडिएटली, नहीं जाता फॉर रिडक्शन डिवीजन। इसके बाद ये क्या बनाता है, स्पोरोफाइट बनाता है। ठीक है, ये जाइगोट क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। और ये स्पोरोफाइट बेसिकली गैमेटोफाइट को छोड़ता नहीं है, ये फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक है, तो ये गैमेटोफाइट खाना बनाएगा वो। ठीक है, तो स्पोरोफाइट क्या करता है, इसी गैमेटोफाइट के साथ अटैच होकर रहता है, और अटैच होने के बाद वो जो भी खाना बना रहा है वहां से इसका नरिशमेंट चलता रहता है। मतलब ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट को यूज करता है फॉर इट्स नरिशमेंट। Some cells of the sporophyte undergo reduction division, that is meiosis, to produce haploid spores, which is gametophytes. These spores germinate to produce gametophyte. तो यहाँ पे एक चीज तो तय है कि अगर स्पोरोफाइट है, ठीक है, अगर स्पोरोफाइट है तो वो क्या होगा, वो डिप्लॉयड होगा, ओके, और अगर गैमेटोफाइट है तो वो हैप्लॉयड होगा, है ना। तो ये हैप्लॉयड होगा, और यही गैमेटोफाइट क्या होता है, ये फोटोसिंथेटिक होती है, और ये अगर फोटोसिंथेटिक होती है तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, यहां से नरिशमेंट लेगा, सॉरी, हाँ, नरिशमेंट लेगा, ओके। अब क्या होता है, ये जो गैमेटोफाइट है, ये गैमेट फॉर्मेशन के, सॉरी, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद ये जाइगोट रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाता है, ये जाइगोट क्या करता है, स्पोरोफाइट बनाता है। ठीक है, और यही स्पोरोफाइट में कुछ सेल क्या करते हैं, गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हैप्लॉयड रिडक्शन डिवीजन करते हैं और फिर गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन होता है। फिर ये जब गैमेटोफाइट बनाता है, गैमेट्स फॉर्म कर रहा है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, फिर से जाइगोट हो रहा है, और जाइगोट होने के बन रहा है, जाइगोट बन जाने के बाद फिर ये स्पोरोफाइट बना रहा है, और स्पोरोफाइट में कुछ सेल्स जाके क्या कर रहा है, रिडक्शन डिवीजन कर रहे हैं, फिर गैमेटोफाइट हो रहा है। तो ये एक सर्कल के जैसा चल रहा है, समझ में आ रहा है ना, कैसे सर्कल के जैसे चल रहा है। पहले जो गैमेटोफाइट था, ये डोमिनेंट फेज है, ठीक है, गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेज है, मैं यहाँ पे वन लिख रही हूँ, गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट फेज। गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेज होने के बाद क्या होता है, ये जाइगोट फॉर्म कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेल है और फीमेल है, ओके, ये दोनों, मतलब ये जो एंथ्रोजॉइड्स लेगा और यहाँ पे एक एग रहेगा जो कि आर्चिगोनियम में बना हुआ है, और फिर ये दोनों मिला के, ये दोनों गैमेट्स वाटर को एक मीडियम के जैसे यूज करता है, ठीक है, और यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद जाइगोट फॉर्म करता है, दिस इज द सेकेंड। इसके बाद ये जो जाइगोट फॉर्म कर रहा है, इट डजंट गो इमीडिएटली फॉर द रिडक्शन डिवीजन, मतलब ऐसा नहीं है कि जाइगोट फॉर्म हो गया कि चलो अब गैमेट्स बनाते हैं, ऐसा नहीं होता है, इट फॉर्म्स स्पोरोफाइट। ठीक है, ये स्पोरोफाइट बनाया, ये है थर्ड, ये स्पोरोफाइट बनाने के बाद स्पोरोफाइट का ही कुछ सेल्स क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन की तरफ जाता है, और यही रिडक्शन डिवीजन बाद में क्या करेगा, गैमेटोफाइट फॉर्म करेगा। ठीक है, और फिर ये पूरे सर्कल चलता रहता है। सो दैट इज द केस। अब हम लोग देखेंगे कि ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। अब इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है, सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। स्पीसीज ऑफ स्पैग्नम मॉस प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज क्विल्स। तो कुछ क्विल्स के जैसे भी यूज करते हैं स्पैग्नम को, एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट, मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है, ऑफ लिविंग मटेरियल्स बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज रॉक्स एंड हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मॉसेस अलॉन्ग विथ लाइकेंस, लाइकेंस हम लोग ऑलरेडी कवर किए हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, है ना, वहाँ पे एक म्यूचुअल जो म्यूचुअल जो रिलेशनशिप है उसके बारे में हम लोग वहाँ पे बात किए हैं। तो मॉसेस और लाइकेंस, ये दोनों ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कोलोनाइज करते हैं रॉक को, और इसका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये हेल्प करते हैं ताकि वहाँ पे प्लांट की सक्सेशन हो पाए। नाउ दे डिकम्पोज
rocks making the substrate suitable for the growth of higher plants. They decompose rocks. Now, since mosses form dense mat on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. तो अगर उसके ऊपर एक लेयर आ गया मॉसेस का, तो जैसे वो पानी आ रहा है, वो मतलब बरसात के टाइम में जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो उस टाइम में सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है. तो ये अगर मॉसेस का अगर एक लेयर रहा, तो वो डायरेक्टली मतलब एक कवर के जैसे यूज़ हो रहा है, राइट? अगर सॉइल के ऊपर अगर एक कवर के जैसे लगाया दिया गया, तो ऑटोमेटिकली पानी जब बारिश जब हो रही है, तब डायरेक्टली सॉइल को हिट नहीं कर रहा है. और डायरेक्टली अगर सॉइल को हिट नहीं कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली एक पकड़ हो रही है उसके पास. और नॉट इवन एक लेयर की तरह भी यूज़ कर रहा है, उसके साथ साथ जब वहाँ पे एक डेंस मैट फॉर्म हो रहा है, तो उसका भी जो राइजॉइड्स वगैरह है, वो भी तो पकड़ के रख रहा है ना, है ना? सॉइल को अटैचमेंट हो रही है वहाँ पे भी, तो उस अटैचमेंट को भी तोड़ना पड़ता है. तो इतना कुछ करके सॉइल इरोजन अपने आप वो घट जाता है. क्योंकि पहले अगर एक बेयर फील्ड है, वहाँ पे अगर पानी गिर रहा है बरसात के टाइम में, जो सॉइल इरोजन का जो एक्चुअल वैल्यू होगा, उससे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा अगर वहाँ पे मॉसेस या कुछ डेंस मैट जैसा अगर रहेगा प्लांट का वहाँ पे, है ना? तो ये तो जाहिर सी बात है, ये समझने वाली बात है. द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस. तो दो टाइप के होते हैं, लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस. अब हम लोग देखेंगे लिवरवॉर्ट्स. उसके पहले इसका पिक्चर एक बार देख लेते हैं. देखो, ये ऊपर में ये जो ए और बी बनाया है, दिस इज द लिवरवॉर्ट्स. और यहाँ पे दिस इज द फीमेल. ओब्वियसली यहाँ पे अर्चिगोनियोफोर प्रेजेंट है, फीमेल. देखो दोनों में ये फ्लावर जैसे हैं, लेकिन इसका फ्लावर बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट है. तो अगर पूछा तो पता है कि फीमेल को, मोस्ट ऑफ द फीमेल को फ्लावर्स पसंद होते हैं. तो जिसका फ्लावर अच्छा है वही होगा फीमेल, ठीक है? और दिस इज द मेल, ठीक है? एंथ्रेडियोफोर इज प्रेजेंट. पिक्चर देख के अगर कोई भी मतलब यहाँ पे मेंशन नहीं है, मतलब ऑब्वियस वैसे ही आपको क्वेश्चन देगा ताकि आपको ढूंढना पड़े, तो आप ये फ्लावर देख के पहचान जाना, ठीक है? कि इसका फ्लावर बहुत सुंदर दिख रहा है, तो ये फीमेल का ही होगा. और ये बहुत ही अजीब सा दिख रहा है, तो ये मेल ही होगा. नाउ लिवरवॉर्ट्स. लिवरवॉर्ट्स में हम लोग देख रहे हैं कि द लिवरवॉर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स. द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवॉर्ट्स इज थैलॉइड, एग्जाम्पल मार्केंशिया. द थैलस इज डॉर्सीवेंट्रल. डॉर्सीवेंट्रल का मतलब क्या होता है? कि वो ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में रहते हैं एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट. द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवॉर्ट्स टेक प्लेस एज फ्रैगमेंटेशन. तो यहाँ पे भी फ्रैगमेंटेशन हो रही है, फ्रैगमेंटेशन ऑफ थैलस, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गेमा. नाउ द गेमा आर ग्रीन multicellular asexual bud which develops small receptacles called gamma cups located on the thalli. The gamma become detached from the parent body and germinate to form a new individuals. To yahan pe jo hum log dekh rahe hain gamma cups, these are the gamma cups present here, theek hai? Ye male female dono mein hi hai aur ye thalli ke upar hi present hai. Yahan se rhizoid bhi hum log dekh rahe hain. और ये क्या करता है, ये धीरे धीरे बॉडी से डिटैच्ड हो जाता है, जो पेरेंट बॉडी है वहाँ से डिटैच्ड हो जाता है. और फिर यहीं से यही गेमा कप जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करके नया लिवरवॉर्ट्स बनाते हैं. नाउ ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ईदर ऑन द सेम और ऑन द डिफरेंट थैली. तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उस टाइम में क्या होता है, मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स है, वो या तो फिर सेम बॉडी में ही होता है, मतलब सेम थैली में प्रेजेंट होता है, या तो फिर डिफरेंट थैली में प्रेजेंट होता है. द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूट, सेटा एंड कैप्सूल. आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल एंड दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स. तो यही क्या करते हैं, यही स्पोर्स
फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हो गया लीवर वोर्स। तो देखो यहाँ पे छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है, और यहाँ पे ऐसा कुछ सच मतलब आप पिक्चर्स को देखना और पिक्चर्स को देखते देखते आप यहीं पे पॉइंट कर सकते हैं कि हाँ ये बाद में डिटैच्ड हो जाता है, ठीक है, डिटैच्ड फ्रॉम क्या, पेरेंट बॉडी, और फिर पेरेंट बॉडी या पेरेंट लिखो तो भी चलेगा, ठीक है, और फिर ये क्या करता है, ये जर्मिनेट करता है, और ये जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट, और उसके साथ साथ ये जो फीमेल है और ये जो मेल है ये दोनों कभी कभी सेम थैली में होता है, कभी कभी डिफरेंट थैली में भी प्रेजेंट होता है। और इसके साथ साथ हम लोग और भी क्या देखे थे कि ये स्पोरोफाइट क्या करते हैं, स्पोरोफाइट दिस स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स, ठीक है। तो ये स्पोरोफाइट भी तीन हिस्से में बटा जाता है, जैसे कि फूड, सेटा एंड कैप्सूल। अब देखते हैं मॉसेस, ठीक है। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस इज द गैमेटोफाइट। देखो ये तो एकदम सच बात है और एक ही लाइन को घुमा फिरा के लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीडोमिनेंट स्टेट, प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल गैमेटोफाइट होगा पूरे ब्रायोफाइट्स में ही, ठीक है। ये एक बेसिक स्टेटमेंट है फॉर द ब्रायोफाइट्स, ओके। ये ब्रायोफाइट्स का एक कॉमन स्टेटमेंट है कि यहाँ पे गैमेटोफाइट, मतलब ये फेमस है कि ये गैमेटोफाइट को ही डोमिनेंट फेज में रखेगा। धीरे धीरे जैसे टेरिडोफाइट्स की तरफ हम लोग जाएंगे तब देखेंगे कि हाँ स्पोरोफाइट आ रहा है स्टोरी में, लेकिन ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट विल बी द हीरो, ओके। द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनिमा स्टेज विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। इट इज अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। The second stage is the leafy stage which develops from the secondary protonema and as a lateral bud. They consist of upright slender axes bearing spirally arranged leaves. They are attached to the soil through multicellular and branched rhizoid. तो यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि mosses में क्या होता है, branched rhizoid होते हैं और वो multicellular होंगे। The stage bears sex organs. तो यहाँ पे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में प्रोटोनिमा स्टेज होते हैं और सेकंड स्टेज लीफी स्टेज होते हैं, ठीक है। तो प्रोटोनिमा स्टेज में क्या होता है, इट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर एंड इट इज क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। तो हम लोग एक मॉस का पिक्चर अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, फ्यूनेरिया, ठीक है, फ्यूनेरिया में हम लोग देख रहे हैं कि दिस इज यहाँ पे राइजॉइड प्रेजेंट है, दिस इज द मेन एक्सिस, और ये जो पोर्शन है दिस पोर्शन इज गैमेटोफाइट, और बाकी के जो ऊपर के पोर्शन है दिस इज सिटा, कैप्सूल एंड फूड। ये वाला जो पोर्शन है दिस इज द स्पोरोफाइट, है ना। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो ब्रांचेस प्रेजेंट है, और ये दिस इज द एंथेरिडियल ब्रांच एंड दिस इज द आर्चिगोनियल ब्रांच, ओके। नाउ गैमेटोफाइट इज ऑल्सो द डोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट को होता है। Now, in sexual vegetative reproduction in mosses by fragmentation and budding in the secondary protonema. In sexual reproduction, the sex organs antheridia and archegonia are produced at the apex of the leafy shoots. After fertilization, the zygote develops into sporophyte consisting of a foot, seta and capsule. तो हमने देखा कि वो जो स्पोरोफाइट वहाँ पे प्रेजेंट है वो तीन हिस्सों में बांटा गया है, एक है फूट, दूसरा है सेटा एंड तीसरा है कैप्सूल। द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलाबोरेट देन दैट इन लिवर वोर्ट्स। द कैप्सूल कंटेन्स स्पोर्स, स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस एंड द मॉसेस हैव एन इलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। तो देखो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिखा गया है, और यहाँ पे बेसिकली अगर मैं तुमको पूरे लाइफ साइकिल को ड्रॉ करके पूरे में बताने जाऊँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फ़ायदा इसीलिए नहीं है क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा ब्रायोफाइट्स में डिटेल्ड में अगर जाएंगे तो वो अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। दैट्स वाई वी नीड टू गो थ्रू द NCERT ओनली, और इसीलिए मैं बस इसी में फोकस कर रही हूँ जो कि तुम लोगों को चाहिए। अभी तुम लोग इतना ज़्यादा जान के भी कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है, अभी बस रिवाइज करो इसको। Now the mosses have an elaborate mechanism of the spore dispersal. Common example of the mosses are Fusarium, Polytrichum and Sphagnum. ये NCERT का सीरीज हो जाने के बाद आई विल बी टीचिंग यू द टोटल जो जो भी है पूरे चैप्टर्स को, मतलब 11 एंड 12 पूरे
चैप्टर्स को डिटेल्ड में पढ़ाऊंगी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगी, और वो नॉर्मल यूट्यूब में ही रहेगा। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डिटेल्ड में चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ पे मैं बस एनसीईआरटी को ही फोकस कर रही हूँ। तो को किसी को अगर लग रहा है कि हाँ यहाँ पे और ज़्यादा इसका इसके पूरी लाइफ साइकिल बतानी चाहिए थी, लेकिन क्या फ़ायदा बेटा लाइफ साइकिल बता के, आपको नहीं आएगा वो, मतलब नहीं ज़रूरत है। बाद में जब हम लोग ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन पढ़ेंगे तब तो हम लोग वैसे भी पढ़ेंगे, तो अभी बस नॉर्मल मॉसेस के बारे में, जैसे कि आपको डिनोफ्लैजेलेट्स के बारे में बताया है, ठीक है, जैसे एस्कोस्पोर्स के बारे में बताया है, तो वो सब चीज़ के जैसे ही इसको भी नॉर्मल पढ़ना है, इसके बारे में कुछ पीएचडी नहीं करनी है। चलो इसके बाद हम लोग देखेंगे टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में क्या है, द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड्स हॉर्सटेल एंड फर्न, ठीक है, और टेरिडोफाइट्स आर यूज फॉर मेडिकल पर्पसेस एज अ सॉयल बाइंडर्स, दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। तो बहुत ही सुंदर दिखने में होता है, तो सौंदर्य या का तो मतलब कुछ आप लोग कुछ बोल नहीं सकते, उसको एज अ ऑर्नामेंटल्स यूज़ करते हैं। और इवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पॉजेस वास्कुलर टिश्यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इवोल्यूशनरी कौन से प्लांट मतलब कौन से ग्रुप यहाँ पे आया है, जाइलम और फ्लोएम लेके, दैट इज अ टेरिडोफाइट्स। यू शैल स्टडी, फाइन, द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम शेडी प्लेसेस, दो सम में फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। तो कूल डैम शेडी प्लेसेस किसका और फेवरेट था, ब्रायोफाइट्स का फेवरेट प्लेस था, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि टेरिडोफाइट्स यहाँ पे बहुत अच्छे से बनते हैं, और ये एक चकमा और देता है, ये सैंडी सॉइल कंडीशन में भी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। नाउ यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट्स अ डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज द गैमेटोफाइट, है ना, लेकिन टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, मेन बॉडी इज अ स्पोरोफाइट विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स स्टेम एंड लीव्स। देखो वहां पे क्या था, रूट लाइक स्टेम लाइक लीव लाइक ऐसा था, लाइक लाइक लाइक, यहाँ पे ओरिजिनल आ रहा है, वहाँ पे फर्स्ट कॉपी प्रेजेंट था, यहाँ पे ओरिजिनल आपको मिल रही है कि हाँ ट्रू रूट प्रेजेंट है, स्टेम प्रेजेंट है, लीफ प्रेजेंट है। दीज ऑर्गन्स पॉजेस वेल डिफरेंशिएटेड वास्कुलर टिश्यूज, द लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल माइक्रोफिल्स एज सिलाजिनेला और लार्ज मैक्रोफिल्स इन फर्न्स। तो जो स्मॉल होते हैं, ठीक है, लीव्स वो सिलाजिनेला में होते हैं, और जो लार्ज मैक्रोफिल्स होते हैं वो फर्न्स में देखते हैं। द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरैंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। इन सम केसेस स्पोरोफिल मे फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रोबिली और कोन्स, दैट इज सिलाजिनेला एंड इक्विसेटम। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स एंड द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर। तो देखो इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है, कि इट्स जस्ट लाइक इट नीड्स अटेंशन, ठीक है, ये मतलब नॉट रियली विजिबल इनफ, ठीक है, नॉट विजिबल इनफ। तो लेकिन ये स्मॉल है, ठीक है, ये स्मॉल है, इट इज नॉट इवन विजिबल इनफ, बट ये मल्टी सेलुलर भी है। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर दिया गया है टेरिडोफाइट्स का, ठीक है, सेलाजिनेला एक्विसेटम फर्न सेल्विनिया इनका। नाउ दे आर द फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉयड गैमेटोफाइट्स एंड कॉल्ड प्रोथैलस। दीज गैमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम शेडी प्लेसेस टू ग्रो। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। तो ऑब्वियसली अगर आपको बता दिया गया है कि आपको हमेशा वाटर ही चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन, तो आप क्या कर रहे हैं उसका एक बाउंड्री बता दे रहे हैं कि जो भी वाटर बॉडीज है ना आप वहाँ पे चली जाओ, बाकी जो टेरेस्ट्रियल फुल्ली टेरेस्ट्रियल जगह है वहाँ पे आपका कोई भी मतलब मोल नहीं है, आप यहीं पे रहो वाटर के आसपास। तो अगर इवोल्यूशन ने इसको ऐसा बनाया है तो ऑटोमेटिकली इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन, क्योंकि जहाँ पे वाटर बॉडीज प्रेजेंट है उसी के आसपास रहेगा, है ना। द गैमेटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया, सेम एज क्या ब्रायोफाइट्स।
respectively. Water is required for transfer of anthrozoites, same story as bryophytes. The male gametes released from antheridia to the mouth of Archegonium. Fusion of male gamete with the egg present in Archegonium result in the formation of zygote. Zygote therefore produces a multicellular well-differentiated sporophyte, which is the dominant phase of the pteridophytes. तो यहाँ पे भी सेम स्टोरी चल रही है कि जाइगोट डायरेक्टली रिडक्शन डिवीजन में नहीं जा रहा है, वो तुरंत जा रहा है स्पोरोफाइट बनाने में, और यही होता है डोमिनेंट फेज इन द टेरिडोफाइट्स. लेकिन ब्रायोफाइट्स में क्या होता था, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी वॉज द एक्चुअल डोमिनेंट फेज. इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड सच एज प्लांट्स आर कॉल्ड एज द होमोस्पोर्स. Genera like Selaginella and Salvinia, which produce two kinds of spores, macro, large, and microspores, are known as heterospores. So, दो सेम तरीके के अगर स्पोर्स बना रहे हैं जैसे कि सेल्विनिया और सिलेजिनेला के जैसे, तो वो हो गया होमोस्पोर्स. और अगर एक लार्ज स्पोर एक छोटा स्पोर्स बना रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, सिलेजिनेला होता है हेट्रोस्पोर्स, ठीक है, और कुछ होमोस्पोर्स होते हैं जो कि सेम टाइप के सेम साइज के स्पोर्स बनाते हैं. बीच बीच में कंफ्यूज हो जाती हूँ. द मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट्स रिस्पेक्टिवली. द फीमेल गैमेटोफाइट्स इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स. द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रायोस टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट्स. This event is a precursor to the seed habit, considered an important step in evolution. तो जब हम लोग generation को पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि what is seed habits and what is all these things will be discussed there. ठीक है, कि कैसे stages different हो रहे हैं and stuff. The pteridophytes are further classified into four classes. Coelopsida, that is coelotum, Lycopsida, Selaginella, Lycopodium, Sphenopsida, Equisetum, and Pteropsida, Dryopteris, Teres, Adiantum. Okay, तो ये था pteridophytes के बारे में. तो यहाँ पे हम लोग दो चीज बहुत ज्यादा सुने हैं. क्या सुने हैं, कि gametophyte और sporophyte. gametophyte कहीं पे ज्यादा मतलब dominant होता है जैसे कि bryophytes में, और sporophyte कहीं पे dominant होता है जैसे कि टेरिडोफाइट्स में. ठीक है, तो इसका एक छोटा सा टेबल मैं बनाई हूँ, ठीक है, मतलब अभी बनाऊंगी आपके सामने, तो आप उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो. तो गैमेटोफाइट के बारे में अगर हम लोग देखें, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, तो दोनों के बारे में वी ऑलरेडी नो दैट कि दिस इज द विच इज हैप्लॉयड, विच इज डिप्लॉयड, ठीक है, और कहाँ पे कौन डोमिनेंट होता है, जैसे कि ये ब्रायोफाइट में होता है, ये टेरिडोफाइट में होता है, टेरिडोफाइट एंड हायर प्लांट्स में होता है ये डोमिनेंट. और इसके साथ साथ यहाँ पे जो स्पोरोफाइट में जो गैमेटोफाइट्स बनते हैं, मतलब स्पोरोफाइट जहाँ पे, मतलब बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द गैमेटोफाइट इन द केस ऑफ ब्रायोफाइट्स. लेकिन बाकी जो टेरिडोफाइट्स और बाकी जो हायर प्लांट्स है उसमें इसको कोई डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है. उसके साथ साथ अगर ये हैप्लॉयड है, गैमेटोफाइट्स अगर हैप्लॉयड है और ये अगर डिप्लॉयड है, तो वी नो दैट कि व्हाट काइंड ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड, राइट. गैमेटोफाइट नीड्स व्हाट, रिडक्शन डिवीजन, और स्पोरोफाइट नीड्स व्हाट, रिडक्शन डिवीजन मतलब उसको मियोसिस चाहिए. स्पोरोफाइट को क्या चाहिए, माइटोसिस चाहिए, क्योंकि इसके पास ये तो डिप्लॉयड है ना. इसके साथ साथ अगर गैमेटोफाइट को मतलब गैमेटोफाइट का जो जर्मिनेशन होता है, इट डेवलप बाय द जर्मिनेशन ऑफ मियोस्पोर, ठीक है. लेकिन स्पोरोफाइट का क्या होता है, स्पोरोफाइट इट डेवलप्स फ्रॉम द जाइगोट. पता है हम लोगों को कि क्या हो रहा था, दो गैमेट आ रहे थे, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, वाटर को मीडियम के जैसे यूज किए वो लोग, फिर दोनों गैमेट आए, दोनों गैमेट आने के बाद फिर वहां से जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ. लेकिन जाइगोट डायरेक्टली रिडक्शन डिवीजन में नहीं गया, डायरेक्टली रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाके वो क्या किया, स्पोरोफाइट बनाया. तो बेसिकली कहाँ से आ रहा है इसका ओरिजिन, जाइगोट से आ रहा है. लेकिन गैमेटोफाइट्स का ओरिजिन कहाँ से आ रहा है, इट इज डेवलप फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ अ मियोस्पोर, है ना.
इसके बाद और भी है कि अगर हम लोग देखें कि कैसे इसका फॉर्मेशन हो रही है, तो गैमेट्स में, गैमेटोफाइट में हम लोग देखते हैं कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स इज रिस्पॉन्सिबल, और स्पोरोफाइट में हम लोग देखते हैं कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म ये सब की तरफ जाएंगे, तब हम लोग देखेंगे ये सब टर्म्स वहाँ पे, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर्स ये सब टर्म्स यूज होते हैं, तो वी कैन सी दैट। इसके बाद और एक चीज़ है कि गैमेटोफाइट्स में हम लोग देखते हैं कि इट इज़ रिप्रोड्यूस सेक्शुअली एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द सेक्शुअल फेज ऑफ द लाइफ साइकिल, और स्पोरोफाइट इट रिप्रोड्यूसेस बाय एसेक्शुअली, राइट, एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द एसेक्शुअल फेज ऑफ द लाइफ साइकिल। तो ये हम लोगों को थोड़ा सा एक जानकारी मैंने बक बक कर दिया, अब यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है, कि गैमेटोफाइट जो है वो हैप्लॉयड फेज है, लाइक हैप्लॉयड फेज ऑफ फिसिस्टम, फेज ऑफ प्लांट, ठीक है, दिस द हैप्लॉयड फेज एंड दिस द डिप्लॉयड फेज ऑफ द प्लांट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या देखे थे, ये एक सेक्सुअल, नहीं पहले सेक्सुअल को नहीं लाते हैं, पहले हम लोग बोलते हैं कि दिस द डोमिनेंट फेज, डोमिनेंट प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट्स, और ये बेसिकली स्पोरोफाइट क्या होता है, दिस इज नॉट डोमिनेंट इन ब्रायोफाइट्स, राइट, इट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट, डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट इन ब्रायोफाइट्स, राइट। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे कि वन सेकेंड, हाँ थर्ड पॉइंट में क्या होगा कि जो डोमिनेंट मतलब यहाँ पे एक था कि डोमिनेंट प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स में, और एक चीज़ है कि इट इज़ नॉट डोमिनेंट, लाइक इट रिड्यूसेस, रिड्यूसेस इन टेरिडो फाइट्स एंड हायर प्लांट्स, इट एक्चुअली बिकम्स डोमिनेंट इन टेरिडोफाइट एंड हायर, है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्या है कि दिस इज सेक्सुअली, सेक्सुअल फेज, ये है असेक्सुअल फेज, इसके साथ साथ ये यहाँ पे बेसिकली मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, रिक्वायर्ड। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, माइक्रोस्पोर एंजियम, माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स इन्वॉल्व्ड, फिर आता है कि सॉरी नॉट दिस, फिर आता है कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस या तो फिर रिडक्शन डिवीजन, और भी बोल सकते हैं कि इट इज़
प्रोड्यूसेस बाय माइटोसिस. उसके बाद वी कैन से दैट दिस इज सेक्सुअल फेज ऑफ द लाइफ साइकिल हो गया. और क्या क्या है देखो, सेक्सुअल फेज ऑफ द लाइफ साइकिल इज डन. दिस द सेक्सुअल फेज ऑफ द लाइफ साइकिल. मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज रिक्वायर्ड. दिस इज माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर्स इन्वॉल्व. दिस इज प्रोड्यूसेस बाय द मियोसिस एंड दिस इज ऑल्सो बाय द माइटोसिस. इसके बाद हम लोग देखेंगे दिस इज डेवलप्ड बाय बाय द जर्मिनेशन. Germination of meiospore. और ये कहाँ से होता है? ये बनेगा developed from zygote. हुआ ना? और ये sexually बनेगा, वो asexually बनेगा, ये तो शायद मैंने लिखा दिया था, राइट? दिस वॉज डन. हाँ, तो फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, और कहाँ पे कौन डोमिनेंट है. हाँ ठीक है, सब कुछ हो गया. मतलब इतना भी आप याद रखते हैं तो दैट इज़ टोटली फाइन. तो ये था प्लांट किंगडम. और इतना भी अगर आप मतलब देखो, यहाँ पे जो लिखा है मतलब दिस वन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर आप इसको लिख ले सकते हैं, ठीक है? कहीं पे भी एनसीईआरटी में छोटा सा एक पेज में इसको लिख के फिर वहाँ पे चिपका देना. अलग से फिर वो नोट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. इतना भी इतना कसरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये था गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच में. क्योंकि मैंने ये इसीलिए बनाया कि एनसीईआरटी में ना जो लिखा हुआ है वो बहुत मतलब सेम चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ढूंढ के दिमाग लगा के फिर आपको करना पड़ेगा. तो इससे अच्छा है कि बना बनाया एक चार्ट आपके पास हो, ताकि आपको ढूंढने के लिए कहीं पे जाना ना पड़े, ठीक है? क्योंकि आप फिर से कोई दूसरा बुक लेके लेने के लिए जाएंगे या तो फिर दूसरा कहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा, वो फिर से आपको सर पे तकलीफ़ होगी कि भाई इतना ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है कहाँ से गेन करें. तो मैंने बस वो जो चीज़ एनसीईआरटी में लिखा गया है उसी को थोड़ा सा अपनी भाषा में वहाँ पर पुट आउट किए हैं, ठीक है? और ये हो गया हम लोग का ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे जिम्नोस्पर्म. नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट वीडियो में आएगा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और फिर बाकी के पोर्शन सब. आई होप यू हैव अंडरस्टूड वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू टीच यू. और अगर आपको कोई भी तकलीफ हो रही है, तकलीफ मतलब कोई भी डाउट है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं. मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, मेरा टेलीग्राम चैनल भी डिस्क्रिप्शन में है. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस मिलते रहे, ठीक है? मैं और भी फास्ट वीडियोस अपलोड करना शुरू करूँगी, तो यू विल गेट इट डन बिफोर योर नीट एग्ज़ाम. सो ऑल द बेस्ट. पढ़ाई अच्छे से करो, टाइम वेस्ट मत करो. बाय.